हाय फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बंगाली स्टाइल मिक्स वेज सब्जी। मिक्स वेज सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सब्जी लिया है। सब्जी मैंने काट के ले लिया है। लिया है मैंने लौकी, आलू, मूली और ये डंटा। गैस पे मैंने कढ़ाई लगा लिया। अब मैं तेल ऐड करूँगी। मेरा तेल गरम हो चुका है। सूखी मिर्च 4 तेजपत्ता, पांच फूलन, जैसे मैं चला लूँगी कढ़ाई पर तेज पत्ता, सूखी मिर्च, पांच फूरन को। अब मैं ऐड करने जा रही हूँ सब्जी। अभी मैं ऐसे 2 मिनट तक ढक कर पकाऊंगी। 2 मिनट तक गैस को मैं हाई फ्लेम पर रखकर पकाऊंगी 2 मिनट तक। ये मिक्स वेज सब्जी बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। मैं ऐसे बीच बीच पर चलाते रहूंगी। आप में ऐड कर लेंगे अदरक। थोड़ा सा मैंने अदरक ऐड किया है। अब मैं फिर से ढक कर पकाऊंगी। अब मैं ये सब्जी पर मसाला ऐड करूंगी। मसाला मैंने लिया है यहाँ पर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। अब मैं चला लूँगी अच्छे से। अब मैं इस सब्जी को थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी। अब मैं और भी 1 मिनट तक इसे ढक कर पकाऊंगी। अब मैं ढक्कन हटा कर देख लेती हूँ एक बार। देखिए कितना अच्छा सब्जी बना है। अब मैं ऐड कर लूँगी यहाँ पर टमाटो। मैं अब टमाटो ऐड कर रही हूँ। ढक्कन हटा के देख लेती हूँ। अब मैं ऐड करूंगी नमक। नमक स्वाद अनुसार ऐड कर रही हूँ। अभी मैं सब्जी को थोड़ा टाइम चला लूंगी। देखिए बिल्कुल भी मेरा सब्जी मिक्स वेज सब्जी बन गया है, बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं ऐसे 15 से 20 सेकंड तक ऐसे ही मैं चलाऊंगी।
मेरा सब्जी बिल्कुल भी बॉयल हो चुका है। देखिए कितने अच्छे से पक गया है, देखिए टमाटो भी पक गया है, गल गया है पूरा। देखिए मेरा ये मिक्स पैक सब्जी रेडी हो चुका है, अभी मैं निकाल लूँगी एक बाउल पर। ये देखिए फ्रेंड, मेरा मिक्स पैक सब्जी बनके बिल्कुल भी रेडी हो चुका है। ये रोटी पराठा के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और इसका स्मेल भी बहुत अच्छा आ रहा है। अगर मेरे ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा मेरे आगे का वीडियो पाने के लिए। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी लेके अगले वीडियो पर।